ओके okay. ये जो आप देख रहे हैं ये जेके फायदा तो बोला हूँ, ये जो एक तो पेनिकल का ले लिया हूँ, ये पेनिकल का जो मतलब दो है ये 29 सेंटीमीटर है इसका जो लेंथ है, और ये जो पार पेनिकल्स में जो सीस होता है बांग्ला में, पेनिकल का जो इसका जो लेंथ है लगभग एक फीट के आसपास रहेगा, एक फीट के आसपास थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए 29 अगर एक फीट हो जाएगा तो 30 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए 29 सेंटीमीटर है। और पार पेनिकल्स में जो सीस होता है जो बांग्ला में बोलता है सीस, उसमें पार से धानेर परिमाण 265, इसमें कुछ 270 भी है, 275 भी है, 250 भी है, तो नॉर्मली जो है 265 हम लोग लिया, मतलब किसी किसी में 275 भी आया और 250 भी आया, तो नॉर्मली जो एवरेज होता है मतलब एवरेज जो किया वो 265 किया। अब लोग देख रहे हैं, देख के कैसा लग रहा है पसकरी, पसकरी देख के कैसा लग रहा है दादा, देख के क्यों लगे खास गुण की लगे আপনারা তো অন্যান্য ধান লাগাচ্ছেন এখানে, অন্যান্য যে ভ্যারাইটি লাগান আমরা ইনডিউশন টেন্ডেল লাগান বা আদার্স যাই লাগান, শীষের লম্বাটা বেশি, হ্যাঁ ওজনটা বেশি আছে, ওজন আছে সামনে এই গ্যাপ, এই যে এই সামনে ভালো কাছে পাশাপাশি ভালো আছে, এমনকি ধানের কোয়ালিটি কোন পোকা মাকড় কম, মানে দশটার মধ্যে একটা মরে গেছে, এটার মধ্যে ওই কিছু দেখা যায় না, এটার মধ্যে সেরকম কিছু নেই, এবং শীষের দৈর্ঘ্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন আগামী দিনে এখানে পুরুলিয়ার বুকে আপনাদের যে 115 থেকে 120 দিনের যে ধান চলে।